हेलो दोस्तों, मैं विकास शर्मा एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं वेक्टर एजुकेटर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आपको DI पढ़ा रहा हूं और RRB असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई उसके लिए, IUPS मेंस के लिए और इसके साथ साथ SBI की भी वैकेंसी आ गई है। ठीक है, तो इन सभी में ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है और इसका लेवल मैं अप टू मेंस लेवल लेकर चल रहा हूँ, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, आपको सभी तरीके की DI मिलेगी। जैसे कि आज मैं जो DI लेकर आया हूँ वो है प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिन लोगों को थोड़ा सा नहीं पता है उनको बता देते हैं कि क्या क्या होता है प्रॉफिट लॉस, उसके बाद इस DI को सॉल्व करते हैं। तो 2 मिनट हमारे साथ बने रहिएगा इसी तरीके से, उसके बाद DI शुरू हो जाएगा आपका। तो देखिए, सबसे पहले आप देखते हो कि प्रॉफिट लॉस के अंदर कि प्रॉफिट होता है एक, लॉस होता है और इसके बाद CP होता है, SP और MP। अब इनके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या क्या होते हैं, इनको क्या बोलते हैं। तो प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, और लाभ कब होता है, जब किसी चीज़ को आप खरीदते हो और उससे ज़्यादा में बेच दोगे तो हमको प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब खरीदने वाली चीज़ क्या होती है, वही होती है हमारी CP। CP का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस को हम हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य। यानी कि ये क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, जिसको हिंदी में बोलेंगे क्रय मूल्य, और मेरी भाषा में बोलेंगे जितना आप अपनी जेब से रुपए खर्चा करते हो वही हमारा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। SP का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, इसका मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस का मतलब हुआ आपका विक्रय मूल्य, क्या हुआ आपका विक्रय मूल्य, और मेरी भाषा में जितना रुपए आपकी जेब में आता है वही हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस, यानी कि जेब से निकला हुआ रुपए CP और जेब में आया हुआ रुपए सेलिंग प्राइस। MP का मतलब होता है मार्क प्राइस, यानी कि जितने भी आप मार्क कर देते हो आर्टिकल के ऊपर वही प्राइस हमारी क्या होती है, मार्क प्राइस। हिंदी में इसको बोलते हैं खुदरा मूल्य, क्या बोलते हैं, खुदरा मूल्य। अब बात करते हैं प्रॉफिट लॉस, तो प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, जहां पर आपका SP माइनस CP। भाई सीधी सी बात है, प्रॉफिट कमाना है तो आपकी जेब में आने वाला रुपए ज़्यादा होना चाहिए जाने वाले से, यानी कि जो चीज़ आप जितने में खरीद रहे हो उससे ज़्यादा में बेच दोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। तो इस केस में हमेशा क्या होता है, हमारा SP ग्रेटर होता है CP से। बात समझ में आ रही बात आपको इतनी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं लॉस की, लॉस क्या होता है, लॉस हमारा होता है CP माइनस SP, क्या होता है, CP माइनस SP, क्लियर हुई बात आपको, जिसमें हमेशा CP हमेशा ग्रेटर रहता है SP से, CP ग्रेटर रहता है इसमें SP से, क्लियर हुई इतनी बात आपको समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ। तो प्रॉफिट लॉस CP SP MP के बारे में आपको पता चल गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट और डिस्काउंट परसेंट क्या होते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट हमेशा किसके बेसिस पे निकलता है, प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पे निकलेगा, जितना रुपए आप खर्चा करते हो, भाई जेब जेब से रुपए निकलता है और वो हमारा क्या होता है, CP। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर हमारा क्या हो जाएगा कि प्रॉफिट तो ऊपर रहेगा और CP नीचे आ जाएगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट परसेंट। क्लियर हुई बात आपको इतनी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं लॉस परसेंट की बात करूं तो लॉस परसेंट हमारा क्या हो जाता है, लॉस परसेंट हमारा होता है L ऊपर रहता है नीचे CP आ जाता है, और परसेंटेज बनाने के लिए इनटू 100 करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्काउंट परसेंट की, तो डिस्काउंट परसेंट हमारा क्या होता है, जिसमें डिस्काउंट का कंपेयर करते हैं मार्क प्राइस से, किससे, मार्क प्राइस से, और इनटू 100 कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है डिस्काउंट परसेंट। क्लियर हुई इतनी बात आपको, समझ में आया, ठीक। टेक्निकल टीम मुझे जरा हाइट कर दीजिए जिससे कि कंटेंट अच्छे से दिखाई देने लगे, ठीक है। इसके बाद डिस्काउंट परसेंट के बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि डिस्काउंट क्या होता है, ये चीज़ रह गई, तो डिस्काउंट हमारा होता है कि मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी पे बेस्ड हमारा ये DI है और इस DI को हम आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए साथ बने रहिएगा। देखो पहला क्वेश्चन, पहले अब हम इस चार्ट को समझ लेते हैं, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है इसमें आर्टिकल दिए गए हैं। आर्टिकल कौन कौन सा है, एक जीन्स है, एक शर्ट्स है, एक टी शर्ट्स है, एक सूट है और एक साड़ी है, ठीक है। जिसमें हमको CP दिया गया है, CP का मतलब जैसा कि मैंने आपको समझाया, इनको खरीदने का मूल्य दिया गया है। जैसे जीन्स का दिया गया है 2280 रुपये, सूट का दिया गया है 2200 रुपये, और साड़ी और शर्ट और टी शर्ट का हमको नहीं दिया गया है, तो ये मिसिंग है, ठीक है। इसको मिसिंग DI भी बोलते हैं। प्रॉफिट परसेंट की बात करते हैं तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है P/CP। तो P/CP की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 30%, यहाँ पर दी गई है 20%, बाकी जगह मिसिंग है।
इसी तरीके से मार्क प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ पर 2720 दिया गया है, यहाँ पर 2875, यहाँ पर 3800 बाकी जगह मिसिंग है। इसी तरीके से डिस्काउंट परसेंट है और डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है, डी अपॉन एम पी, तो ये हमको कितना दिया गया है, ये हमको दिया गया है 14%। क्लियर है बात आपको इतनी। इसके बाद हम बात करते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी दी गई है 2640, बाकी जगह मिसिंग दी गई है। अब इन सब का यूज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होगा। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अब आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है उसे समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ द डिस्काउंट परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट ऑफ द सूट इज सेम, फाइंड आउट द एम पी ऑफ सूट। यानी कि सूट की ही सिर्फ बात हो रही है, दूसरे आर्टिकल की बात नहीं हो रही है, जिसमें यह कहा गया है कि डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दोनों का ही क्या है, समान है। और हमको क्या निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है। तो देखो डिस्काउंट परसेंट और इसके अलावा प्रॉफिट परसेंट दोनों का ही समान है, और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है हमारा, डिस्काउंट परसेंट होता है डी अपॉन एम पी और प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है पी अपॉन सी पी। क्लियर है बात इतनी आपको। चलिए अब मैं देखता हूं कि मुझसे बात की गई है सूट की, तो सूट के अंदर हम चलते हैं, ये रहा, इसके अंदर ये सी पी हमको दिया गया है 2200 और ये सेलिंग प्राइस हमको दी गया है 2640। क्लियर हुई बात इतनी आपको। और डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट हमको समान दिया गया है। तो एक बात बताइए कि अगर 2200 रुपए की चीज़ को अगर आप 2600 रुपए में बेच रहे हो तो आपको लाभ कितने का हो रहा है, 440 का हो रहा है कि नहीं, और किसके कंपेयर में हो रहा है, 2200 के कंपेयर में हो रहा है। परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100 कर देंगे। यहाँ पर देखा तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया और इसके बाद 22 से इसको कैंसिल आउट किया तो कितनी बार गया, दो, तो ये निकल के आ गया हमारा कितना, 20%। यानी कि एक बात तो यहाँ से हमको साफ साफ समझ में आ गई कि 20% आप यहाँ पर क्या है, हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट अगर 20% है भाई तो डिस्काउंट भी कितना है, 20% ही है। कोई समस्या इतने में आपको नहीं। अब मुझे मार्क प्राइस निकालना है भाई, तो एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस 2640 दी गई है और डिस्काउंट 20% दिया गया है, तो अगर मैं ये कहूँ कि मार्क प्राइस 100% है जिसपे से डिस्काउंट आपको कितना दिया जा रहा है, डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है 20% का, तो सेलिंग प्राइस भाई कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस हो जाएगी 80%। कोई समस्या इतने में। यानी कि 80% की वैल्यू आपको दी गई है और 100% की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो एक बात तो कंफर्म है कि 2640 से तो ज़्यादा ही आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता, अब 2800 और 3300 में से ही कोई आंसर होगा। तो देखो अब 80% की वैल्यू हो गई 2640, तो 100% की निकालना है, तो इसकी वैल्यू तो हो गई 2640, तो 100% बराबर कितना निकल के आएगा, तो देखिए 2640 तो ऊपर रहेगा, डिवाइडेड में आ जाएगा 80 और इनटू में हो जाएगा 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ 10 बच गया, यहाँ 8 बच गया, 8 से इसको कैंसिल करेंगे तो 8 से 3 बार जाएगा, 8 3 24, और 8 3 24 और 2 0, यानी कि आंसर कितना आ गया हमारा निकल के 3300। आंसर कितना निकल के आ गया, 3300। बात समझ में आ गई आपको, कंफर्म हो रहा है इतना, ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा डी 3300। क्लियर हुई इतनी बात आपको। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जैसा कि आपको पता था कि मार्क प्राइस निकालना है, और मार्क प्राइस निकालने के लिए आपको पता है कि अगर हमको एसपी दिया गया है तो मार्क प्राइस निकालने के लिए कंफर्म बात इतनी है कि इसका मल्टीप्लाई तो ऊपर हो ही रहा होगा सेलिंग प्राइस का, ऊपर 2640 इनटू, नीचे तो आ रहा होगा हमारा क्या, जो डिस्काउंट परसेंट के बाद जो बच रहा है यानी कि सेलिंग वाला परसेंटेज, और ऊपर तो आ रहा होगा हमारा कौन सा, मार्क प्राइस का परसेंटेज। तो एक बात समझ में आ गई कि 2640 तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है और 2640 हमारा 11 का मल्टीपल है। कैसे पता, यहाँ से देखो 2 और 4 6 और 6 6 - 6 कितना हुआ, 0। जहाँ भी 0 या 11 का मल्टीपल बचता है तो वो हमारा क्या होता है, वो 11 का मल्टीपल निकल कर आता है, ठीक है। तो 11 का मल्टीपल इस ऑप्शन में सिर्फ मुझे 3300 दिखाई दे रहा है। आप कहोगे सर 2200 भी तो दिख रहा है, लेकिन आपको एक बात पता होना चाहिए कि जब 2640 रुपए हमारा सेलिंग प्राइस ही है तो एमपी तो इससे ज्यादा ही होगा, तो 3300 आंसर हो गया, ठीक है। तो इतना भी नहीं करना था, आसानी से आंसर निकल कर आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ द एम पी ऑफ जीन्स इज रुपीज 140 मोर देन द सी पी ऑफ शर्ट्स। अब सी पी ऑफ शर्ट्स पे बात चलते हैं, तो शर्ट का सी पी कितना है नहीं पता भाई, मिसिंग है, लेकिन हमको प्रॉफिट परसेंट पता है शर्ट का कितना है, 30%। लेकिन एम पी ऑफ जीन्स इज 140 मोर देन द सी पी ऑफ शर्ट्स,
एंड द डिफरेंस बिटवीन एमपी एंड एसपी ऑफ शर्ट्स इज रुपीज 780। यानी कि मुझे डिस्काउंट परसेंट भी किसका निकालना है, शर्ट का निकालना है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए ऊपर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डिस्काउंट। और डिस्काउंट कहाँ से आता है, मार्क प्राइस माइनस के सेलिंग प्राइस से। क्लियर हुई बात इतनी? मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस से हमारा क्या निकलता है, डिस्काउंट। और नीचे क्या रहना चाहिए, मार्क प्राइस रहना चाहिए। तो यहाँ एक बात तो समझ में आ गई कि ऊपर तो 780 हमको दिया गया है, अब नीचे वाली वैल्यू कैसे निकल के आए उसके बारे में बात कर लेते हैं। एमपी कैसे निकले, तो इन्फॉर्मेशन तो ये है कि इफ़ द एमपी ऑफ जीन्स इज रुपीज 140 मोर देन द सीपी ऑफ शर्ट्स। तो एमपी ऑफ जीन्स हमको दिया गया है क्या, देख लेते हैं। तो हमको पता है मार्क प्राइस ऑफ जीन्स कितना है, 2720। अगर मैं 2720 में से 140 माइनस कर दूं तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे शर्ट के सीपी के पास। तो भाई 720 में से 140 जाएगा तो बेहद आसानी से हमारा निकल के आ गया 2580 आ गया कि नहीं, यानी कि सीपी हमारा आ गया 2580। अब क्या हम यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि 30% यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर ये चीज़ 100% की वैल्यू है तो 130% की वैल्यू निकालनी है। क्यों, अगर मैं कहूँ कि सीपी अगर हमारा 100% है, प्रॉफिट हमको हो रहा है 30% का, तो एसपी भाई कितना हो जाएगा यहाँ पर, 130%। क्लियर है? और 100% की वैल्यू आपको दी गई है, 130% की वैल्यू आपको निकालनी है। बेहद आसानी से आप निकाल सकते हो कि 100% बराबर कितना दिया गया है आपको, 2580। तो 130% बराबर कितना हो जाएगा, 2580 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 130। क्लियर हुई बात? अब यहाँ पर जीरो से तो जीरो कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 13 बच गया और नीचे कितना बच गया, 10 बच गया। यहाँ से मैंने देखा इस जीरो से ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया हमारा, 258 इंटू 13। अब या तो इसका मल्टीप्लाई करो, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है वो भी जान लो। अगर मैं 2580 का डायरेक्ट 30% निकालने बैठता तो कैसे निकलता, तो देखो 2580 अपने आप में 100% है। क्लियर है बात कि नहीं? तो इसका 258 कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा कि नहीं। अगर मैं यहां से 30% निकालना चाहूं तो दोनों साइड 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना, 25 × 3 750 और 8 × 3 24। 750 में 24 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 750 तो हो गया, और 7 और 4 ये कितना निकल के आ गया, 774। और ये 774 कहाँ ऐड हो जाएगा, 2580 में ऐड हो जाएगा। तो बड़े आसानी से ऐड कर सकते हैं, देखो 2580 में 20 ऐड कर दो कितना हो गया, 2600। अब 20 ऐड कर दिया तो यहाँ से 750 बचा, और 2600 में 750 ऐड करना है आपको। तो देखो 2600 में अगर 750 ऐड करना है तो सबसे पहले तो 700 ऐड कर दो, तो कितना हो गया, 3300। अब 3300 हो गया और 50 और कर दो तो 3350 हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आपको? तो यहां से मुझे पता चल गया कि इसका सेलिंग प्राइस कितना है, 3350। क्लियर? अगर सेलिंग प्राइस 3350 है तो दोनों का मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 780 है। तो अब मैं इसमें 780 ऐड कर देता हूं। जैसे ही मैं 780 इसमें ऐड करूंगा तो 3300 में अगर 700 ऐड करूंगा तो 4000 हो जाएगा। 4050 हो गया, उसमें 50 और ऐड कर दो तो कितना हो गया, 4100। और कितना बचा हमारा, 30 और ऐड करने को बचा तो 4130। तो ये कितना बचेगा, 4130। कोई समस्या आपको? अब परसेंटेज बनाना है तो इनटू कितना कर देंगे, 100। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा अब हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, अब ये बन गया 7800 डिवाइडेड बाई 413। इनको सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा। पहली चीज तो एक बात तो समझ में आ गई कि 4 का डबल करने पर 8 पे जा रहा है, यानी कि 8, यानी कि ये 2 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ऊपर निकल रहा है। तो 20% से तो नीचे ही होगा। अब देखो बड़े ध्यान से सुनना, इस चीज को हम यही सॉल्व कर सकते थे कैसे, 780 डिवाइडेड बाय 413 इतना लिखा हुआ था और जीरो, तो ये नीचे वाली वैल्यू अपने आप में 100%। तो मैं अगर देखूं तो 413 यहां पर कितना आ गया हमारा, 10%। अगर 413 10% है हमारा तो ये बात बताओ कि 20% बराबर कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे इसका डबल, तो इसका डबल कितना बनेगा, 826। लेकिन मुझे इतना तो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 780। तो 826 780 से कितना ज़्यादा है, तो ये इससे कितना ज़्यादा है, ये इससे 46 ज़्यादा है, प्लस है ये 46। अगर ये इससे ज़्यादा है तो भाई 46 कितना परसेंट बनेगा वो देख लो।
तो जैसा कि 10% बराबर आ गया 41,413, तो 1% बराबर कितना बनेगा, 14.3 बराबर हमारा बनेगा 1%। आई बात समझ में, यानी कि कितना बनेगा, 14.3 बराबर बनेगा 1%। अब मुझे एक बात पता है कि मैं 1% तो इसमें से सीधा सीधा कम कर ही सकता हूं, लेकिन मुझे 1% से भी थोड़ा सा ज्यादा कम करना है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 18.86%। क्लियर हुई इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ये, सीपी ऑफ सूट इज हाउ मच परसेंट लेस देन द एमपी ऑफ जींस। तो सीपी ऑफ सूट देख लेते हैं भाई, सीपी ऑफ सूट 2200 है और एमपी ऑफ जींस देख लेते हैं भाई, 2720 है। ये इससे कितना ज़्यादा है भाई, सीधा सा देखो, 2720 है, ये 2200 है, तो सीपी ऑफ सूट इज हाउ मच परसेंट लेस देन द एमपी ऑफ, कितना कम है इससे भाई, सीधा सीधा समझ में आ रहा है, 520 कम है, तो नीचे आ गया 2720 और इससे हमको कंपेयर करना है, आंसर कौन सा होगा, देखिए अभी आप खुद ही निकाल दोगे। ये अपने आप में कितना हुआ भाई, 100% हुआ, तो 272 हमारा कितना हुआ यहाँ पर, 10% हुआ, कोई समस्या। अगर मैं 272 का डबल करता हूँ तो हम 520 से ऊपर निकल जाएंगे, तो 20% तो ये वाला तो नहीं हो सकता। क्लियर हुई बात आपको, अगर मैं इसका डबल करता हूँ तो 20% बराबर हमारा निकल के आएगा 542, जो कि 520 से कितना ज़्यादा है, 22 ज़्यादा है। क्लियर है बात आपको, यानी कि एक बात समझ में आ गई आपको कि 10% बराबर 272 है, तो 27.2 बराबर हमारा कितना है, 1%, और ये इससे कितना कम है, 22, यानी कि 1% भी कम नहीं हो सकता, 1% से और कम, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 19.1%। कौन सा आंसर हो जाएगा, 19.1%। यही सारी अप्रोच तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और खुद भी देखते रहिए और समझते रहिए, जिससे कि ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँच पाएँ, ठीक है। और जैसे कि मैंने पुरानी DI जो डाल रखी है उनको भी आप देखिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं आपके लिए, ठीक। ये समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, देखिए, द रेशियो ऑफ डिस्काउंट परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट ऑफ द टी शर्ट इज 7.5, यानी 7:5, फाइंड CP ऑफ टी शर्ट, यानी कि रेशियो ऑफ डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट, इसका रेशियो हमको कितना दिया गया है, 7:5। एक बात बताओ आप मुझे कि ये किसका दिया गया है, टी शर्ट का दिया गया है, टी शर्ट के पास चलते हैं, इसका डिस्काउंट परसेंट कितना है, 14%, और 7 की वैल्यू कितनी, 14%, तो कितना मल्टीप्लाई करने पर, 2, तो 5 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10%। भाई प्रॉफिट परसेंट कितना निकल के आ गया, 10% आ गया, यानी कि मुझे पता चल गया कि यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई, 10% आ गई, ये वैल्यू 10% आ गई, कोई समस्या इतने में। आगे कहा गया है तो फाइंड द CP ऑफ टी शर्ट। अब भाई एक बात बताओ आप मुझे कि मुझे CP निकालना है, तो आप एक चीज़ जानते हो कि मैंने एक चीज़ पढ़ रखी है, CP और MP का रेशियो। जब मैं आपको ये चीज़ पढ़ाता हूँ, जिन लोगों ने डिस्काउंट पढ़ रखा होगा वो तो अच्छे से समझ पाएंगे कि ये इसका एक डायरेक्ट रेशियो होता है, 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये होता है डायरेक्ट। तो डिस्काउंट परसेंट क्या है इसमें, 14 है, तो 100 में 14 गया तो 86 आ गया, और 100 + 10 हुआ तो 110 आ गया, इनका रेशियो हमको दिया गया है। अब 110 की वैल्यू कितनी दी गई है भाई, 110 की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 2875, तो मुझे कितने की निकालनी है, 86 की निकालनी है। क्या आप समझ पा रहे हो एक चीज़ यहाँ पर कि 2875 से तो कम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो 110 बराबर कितना दिया गया, 2875, तो 86 बराबर कितना आ जाएगा, 2875 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 86, ठीक है। सॉल्व करते हैं अब इसको, तो अगर मैं इसको ऊपर 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे 10 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 2, यहाँ से 2 बचा, 22, अब कितना बचा यहाँ से 22 के बाद 6 बचा, तो 67 से हम अगर करें इसको सॉल्व तो कितना बचेगा हमारा, तो देखिए मैंने 2 किया तो यहाँ से 6 बच गया, तो ये 66 हो गया, यहाँ से 6 से करते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं क्या ये कैंसिल होगा 11 से, तो जैसे मैंने 11 से इसको कैंसिल आउट किया तो देखा यहाँ पर 10 आ गया, और ऊपर कैंसिल करते हैं। अब देखिए एक चीज़ आपको सामने दिखाई दे रही होगी, अप्रॉक्स हमको अप्रॉक्स में आंसर निकालना है, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर देखिए कि अगर मैं इसको 11 से कैंसिल करता हूँ तो कितने टाइम जाएगा, अप्रॉक्स में देख लेते हैं, तो 2 बार गया,
इसके बाद ये 6 टाइम गया तो 66, अब 15 बचा तो मैं एक मान लेता हूँ, 261 मान लेता हूँ इसको, कोई समस्या नहीं आपको, ठीक है। अब इस 261 को मैं 260 भी लिख सकता हूँ, जिससे कि मैं इससे जीरो से जीरो कैंसिल कर दूंगा, तो बचा कितना 26 into 86। क्लियर हो रही बात आपको? अब 26 into 86 बचा आपके पास, तो एक चीज़ देखो, अब मैं इसका मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो देखो कितना बनेगा, एक अब कॉमन सेंस लगाइए, अगर यहाँ 80 होता, यहाँ 20 होता, तो 8 और 2 16 हो जाता, और 8 6 48 हो जाता, 16 4 यानी कि 2000 से तो ऊपर ही निकल गए हम सीधा सीधा। अब कर लेते हैं, 6 और 6 36, 6 बचा 3, 6 और 2 12 और 3 कितना होता है, 12 और 3 15 होता है, ठीक है। इसके बाद 8 और 6 48, 8 बचा 4, 8 और 2 16 और 4 20 होता है, यहाँ से 6 आ गया, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 और 5 कितना हो जाएगा, ऊपर लिख देते हैं इसको, इसको ऐड कर देते हैं, 156 है, और यहाँ पर कितना बचा हुआ है, 8, और यहाँ पर कितना बचा हुआ है, 0, यहाँ पर कितना बचा हुआ है, 2। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं, ये 6 आ गया, ये कितना आ गया, 13 का 3 आ गया, और एक कैरी बचा तो 2 आ गया, और ये 2, 2236 के आसपास आ रहा है हमारा, जो कि 2285 और 2248 है, तो आंसर हमारा कौन सा होगा, 2248 होगा, ठीक है। समझ में आई बात आपको इतनी? चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि इफ द रेशियो ऑफ द सीपी ऑफ द जीन्स एंड साड़ी, यानी कि रेशियो ऑफ द सीपी किस किस का दिया गया है, जीन्स का और साड़ी का, तो जीन्स के पास चलते हैं, इसमें सीपी की वैल्यू 2280 है, तो साड़ी के सीपी की वैल्यू निकल के आ जाएगी भाई, कितना रेशियो है, 4:5, तो 4 की वैल्यू हमको दी गई है कितनी, 2280, क्लियर है। तो 5 की निकालनी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से डिवाइड कर दो, 4 और 5 20, और 4 से 7 570, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 570 × 5, जो कि कितना बनेगा, 0 5 3 बचा 25 28, 2850, तो ये आ गया 2850, कोई समस्या नहीं। अब फाइंड आउट द डिस्काउंट परसेंट ऑफ द साड़ी, साड़ी का डिस्काउंट परसेंट आपको निकालना है, तो एक बात बताओ आप मुझे कि आपको सीपी मिल गया, आपको एमपी मिल गया, आपको प्रॉफिट परसेंट मिल गया, अब डिस्काउंट परसेंट निकालना है, जो कि बेहद आसान है, जैसा कि आपको मैंने अभी जो फॉर्मूला बताया वही, सीपी अपॉन एमपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये होता है कि नहीं। अब देखो सीपी की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 2850, और एमपी की दी गई है 3800 इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट को ऐसे ही लिखा रहने दो, और प्रॉफिट परसेंट दिया गया 20, तो ये हो गया 120, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, कोई समस्या नहीं आपको। अब आप एक चीज़ देखो कि अगर मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ अगर इसको, तो ये आ जाएगा 190 और ये आ जाएगा 6, कोई समस्या आपको नहीं ना। अब यहाँ से अगर मैं इसको जीरो से इस जीरो को उड़ा देता हूँ, कोई समस्या आपको नहीं, 19 से कैंसिल करो, ये तो एक बार गया तो कितना बचा हमारे पास, 7, तो 19 से अगर हम करेंगे तो 5 बार जाएगा, और 15 और 6 कितना हो गया, 15 6 90, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बराबर 90। अब ये बताओ कि ये कब बनेगा, जब 10% का डिस्काउंट होगा, तो आंसर कौन सा आ गया, 10%। भाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बराबर 90, तो डिस्काउंट परसेंट बराबर 10%। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। तो ये इसका आंसर कितना हो गया, 10%। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और इसी तरीके से साथ में बने रहिए, मैं पूरे मेंस लेवल तक की आपको तैयारी करवा रहा हूँ, ये मेरी गारंटी है। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी DI की, Quantity 1 Quantity 2, इसके अलावा जो भी हमारा मेजर पार्ट आता है, जो भी हमारे मेंस में, वो सबकी तैयारी, इसके साथ साथ प्री की भी तैयारी साथ में, जो कि हमारा SBI है, SBI एसोसिएट की जो वैकेंसी आई हुई है उनका, और उसके अलावा हमारा जो RBI असिस्टेंट की वैकेंसी है, उन सब की तैयारी हम आपकी बहुत अच्छे से करवा देंगे। साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को पढ़ पाएँ, समझ पाएँ और घर बैठे ही तैयारी कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसी तरीके से जुड़े रहिए।